आप लोग सभी रोहिणी हिंदी व्याकरण निकालिए अध्याय 11 पेज 45 सभी निकालिए। ठीक है, ये है समान अर्थ शब्द, समान अर्थ। ठीक है, समान अर्थ शब्द जो है इसे कैसे होते हैं बता रही हूँ मैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसा देखिए, आप माँ को क्या क्या नाम से बोलते हैं? कभी माता बोलते हैं, कभी जननी बोलते हैं, ऐसा ही एक जैसा अर्थ बताने वाले जो शब्द शब्द है उसको समानार्थ शब्द बोला जाता है। देखिए देखिए, यहाँ लिखा है बच्चों चांद को चंद्रमा, चंदा चंद्र भी कहा जाता है। सच बात है, चांद को हम लोग चंद्रमा, चंदा, चंदा मामा बोलते हैं, चंद्र बोलते हैं, ये सब नाम से हम लोग बोलते हैं चांद को। ये सभी समानार्थ शब्द हैं। चित्र में देखिए, कुछ चित्र दिया है, कुछ अन्य समानार्थ शब्द को दिया है। जैसे नौका, चित्र में आप लोग देख रहे होंगे नौका, नौका को नाव बोला जाता है। आप लोग एक ही अर्थ पढ़िए अभी, फूल, पुष्प, पुष्प, बाग, बगिया, बगीचा भी बोला जाता है, घर, गृह, नदी, सरिता, पक्षी, खग। यहाँ तो बहुत सारा और भी अर्थ है, आप लोग एक ही अर्थ पढ़िए, हिरण, मृग, मछली, मीन, तट, किनारा, सूरज, रवि, पर्वत, पहाड़, सांप, सर्प। ये सब होता है समानार्थ शब्द। तो आप लोगों को इसको अच्छा से पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है समानार्थ शब्द। ठीक है, अभी आ रहे हैं आप लोग ये बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग देख रहे होंगे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ दो ठो है, आज मैं सिर्फ पेज 45 तक ही पढ़ाऊंगी, एक ही पेज। कौ है नौका का दूसरा नाम है, आप लोगों को पता है, यहाँ ऊपर में आप लोग पढ़े हैं। नौका का दूसरा नाम कार है? नहीं, नाव है। तो इसमें आप लोग टीका लगाइए। ठीक है, फूल को और क्या कहते हैं? सुगंध, पुष्प, फूल को और हम लोग क्या नाम से बोलते हैं? पुष्प। ठीक है, तो इसमें टीका लगाना है। तो आज यहाँ तक ही, आप लोग इस अध्याय 11 को अच्छा से घर में पढ़िए और अध्ययन अच्छे से कीजिए। ठीक है, लर्न अच्छे से करना है।